my dear friends and future teacher, am i audible and visible to all of you if am i audible and visible to all of you then you can write in the comment section yes sir you are audible and visible to all of you if am i audible and visible to all of you then you can write in the comment section yes sir you are audible hi hi am i audible am i audible yes yes if am i audible and visible to all of you then you can write in the comment section, yes, yes, sir, you are audible, audible and visual to all of you. One second, one second, one second, ah. one second. Hello, is everything fine? Is everything fine, my dear friends and future IS officer? आज एकदम ओ माय गॉड सेट आज मैं काफ़ी जोश में हूँ ओके सो माय डियर फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी लोग एम आई ऑडेबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ़ यू इफ़ एम आई ऑडेबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू राइट इन द कमेंट सेक्शन यस सर ये क्या हो रहा है एक सेकंड इसमें भी आ गया है ठीक है चलिए शुरुआत करें फटाफट फटाफट शुरुआत कर दूं वन रुक जाओ यार थोड़ा तो सा फटाफट चलिए विजुअल तो हो रहा है ना चलिए विजुअल तो हो रहा है ना चलिए ठीक है ओके ओके मार्कर कहीं का कहा गया सो माई डियर फ्रेंड्स इफ यू ऑल आर वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल ओके लेट्स दिस इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म बट मैं इंडिया का ही नहीं मैं हमेशा बोलता हूँ कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है आज फिर कोई एक बच्चा एक है एक स्टूडेंट है Uh, जो फॉरन से है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आज उनका फिर से आज मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज किया अगर आप ऐसे देख रहे हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और मैं लास्ट में आपको उसका नेम भी बता दूंगा ठीक है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फॉलो मी ऑन अकेडमी ओके बाय यूजिंग माय रेफरल कोड एस के एस वन वेन यू विल अप्लाई देयर माई रेफरल कोड एस के एस वन जीरो डेफिनेटली यू विल वॉच माई ऑल द फ्रीसेज इज इट क्लियर एंड मेरा मिशन है कि मैं 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 बहुत कम टाइम में मिलियन सब्सक्राइबर करना इतना, इतना मजेदार सेशन है कि आज आपको रियलाइज हो जाएगा कि ओह माई गॉड इतना आसान है ये बिल्कुल बहुत ही आसान है तो आप देख सकते हो इंडिया के बेस्ट टॉप एजुकेटर्स की पूरी टीम है जो मेरे साथ पूरी

मैं आपके साथ यहाँ पर अकेडमी प्लेटफॉर्म पे मैं आपको क्लास दे रहा हूँ ठीक है तो बाकी सारी चीज आप देख सकते हैं अकेडमी आपके साथ प्रॉमिस करती है बट टूडे फॉर थ्री डेज एंड एंड दिस ऑफर विल बी एंड ऑन सेवन जुलाई ध्यान रखिएगा जिस दिन ये एंड होगा उस दिन मैं ये क्लासेस नहीं लूंगा सेवन जुलाई को साथ हमारी क्लासेस नहीं होगी कल हुई थी क्या क्लास एक बार कमेंट सेक्शन में बताना है ना तो इसका मतलब यह कि अगर आप टू ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू विल गेट द दन ईयर एक्स्ट्रा जब जब अगर आपका अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो यह सारी के सारे बेनिफिट्स आपको न, आपको मिलने वाला है जो सेव ऑफ जुलाई तक इसमें आपकेडमी के नोट्स मिलेंगे गारंटीड सब्सक्रिप्शन टिल है ओके एंड प्रॉमिस ईयर सब्सक्रिप्शन और बैंक का भी वन ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा यानी कि आप आप घर बैठे जितना मर्जी चाहो उतने अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो ये फर्स्ट टाइम माय डियर इसको आप डिले मत करना कोई भी इंडिया का मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है ये भी आपको फ्री में मिलने वाला है अगर आप को सब्सक्राइब करते हो वन ईयर चाहे टू ईयर का आप प्लान ले रहे हो तो फोर्टी फाइव परसेंट प्लस टेन परसेंट और टोटली आपको थर्टी फाइव परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा वेन यू विल चूज द ऑप्शन और ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इज इट क्लियर बाई यूजिंग माई रेफरल कोड एसके एस वन जीरो आपको साथ में बुक्स भी मिलते हैं आपको ई पर भी पे कर सकते हो नहीं है पैसे तो आप लोन भी ले सकते हो बट मैं हमेशा कहना चाहता हूं जिसमें है मेहनत करने का हुनर वही बन सकता है ऑफिसर अगर आपके अंदर नहीं है मेहनत करने का हुनर तो उम्मीद मत खोइए भरोसा मत खो मेरे भाई मेरे ऊपर भरोसा रखो मेरे ऊपर अगर आप मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हो तो दिस इज माई पर्सनल अटेंशन ओके विथ यू डेफिनेटली अगर आप मेरे माइंड के साथ जिस तरीके से मैं सोचता हूं अगर मेरे सोचने के आप लोग अगर प्रिपरेशन करेंगे ना तो कोई नहीं आपको रोक पाएगा डेफिनेट इसलिए उम्मीद नहीं खोना है बहुत मुझे ऐसे ऐसे बच्चों के मुझे कॉल्स आते हैं मैसेज आते हैं मैं देख करके मुझे काफी सारी प्रॉब्लम देखिए आइकोनिक लीजिए प्लस लीजिए कोई भी लीजिए डे बैटर मैं आपको हर चीज में हेल्प करूंगा बस आपको मेरा कोड यूज करना है ध्यान रखिएगा मैं आपको इतनी राम कथा इसलिए बता रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चे अन अकेडमी पर जब भी आप एडमिशन ले यू हैव टू तो यूज माई रेफरल कोड एस केस वन जीरो यू विल गेट द डिस्काउंट एंड आई विल गाइड यू पर्सनल वन यू चाहे यूपीएससी यूपीएससी चाहे किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो किसी भी में मेंस यूपीएससी सारी सारी चीज आपको मेरे पर्सन टेलीग्राम पर मिल जाएगा ये न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है जुलाई से कल मेरी

क्शन यस सर आई एम रेडी फॉर दिस इंपॉर्टेंट से आज एक मंत्र के साथ प्रूव करना है ठीक है सर हमें प्रूव नहीं हमें इंप्रूव करना है कमेंट से को मुझे नहीं, करना है। कोई भी बच्चा किसी को प्रूव करके नहीं दिखाएगा कि मैं आईएस बन के तुझे दिखाऊंगा मैं आई एस बन के दिखाऊंगा तब तुझे देख लूंगा तू कितनी बड़े के साथ ऐसा नहीं हमें प्रूव नहीं इंप्रूव करना है क्या करना है हमें प्रूव नहीं हमें इंप्रूव करना है बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे बच्चों का प्यार वेरी गुड वेरी गुड ओ माई गॉड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट देखिए 326 प्लस लाइव हो चुके हैं बच्चे सर एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए चलिए ठीक है ऐसे सें प्रूव नहीं इम्प्रूव करना है अब देखो ध्यान से सर जी सर आज आप काफी खुशी में हो बिल्कुल भाई खुशी में क्यों नहीं रहूंगा हरदम दुखी रहूंगा तो कुछ नहीं मिलने वाला है एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ठीक है आप टेंशन मत लीजिए मेरे लिए खुशी तो आप लोग हो चलिए लिखो फटाफट लिखो सिलो भैया देखो ये ऐसा टॉपिक है ये ऐसा टॉपिक है मैं आपको हमेशा बता दूं पहली बात तो ना तो मैं इस टॉपिक को कोई कोई फॉर्मूले से बताने वाला हूं ना मैं इस टॉपिक को कोई वेन डायग्राम से बताने वाला हूं ना मैं इस टॉपिक को कोई वेन डायग्राम से बताने वाला हूं आई विल टीच यू ओनली माई ऑन फंडा विच इज नोन एज एस एस एम फंडा विच इज नोन एज एस एस एम फंडा और यूपीएससी के पेपर में अगर क्वेश्चन आए और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके आपके एग्जाम में सिलोगिज्म का टॉपिक ना है माय डियर फ्रेंड्स ज का टॉपिक ना ये देखो कितने सिलोगिज्म का टॉपिक से क्वेश्चन ना ऐसा हो ही नहीं सकता है ओके क्लास में ओके ऐसा हो ही नहीं सकता यूपीएससी के हम क्वेश्चंस ना आए ठीक है कि जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि देखो 2019 में भी क्वेश्चंस आए थे 2020 में भी वो भी एक नहीं दो दो क्वेश्चंस आए थे और ये 2021 में मैं ज्यादा प्रॉमिस तो नहीं करूंगा यहाँ भी चांसेस है एक से दो या तीन क्वेश्चन आ सकते हैं एक ये दो या तीन क्वेश्चन आपके आ सकते हैं ठीक है तो चले शुरुआत करें माय डियर फ्रेंड्स शुरुआत करता हूं ठीक है ना तो सबसे पहले आपको इस टॉपिक में मेरे अकॉर्डिंग से आपको सोचना है कि कैसे कैसे हमें सॉल्व करना है किस अप्रोच से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है काफी डिटेल लेवल में काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा यहां से ठीक है कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि जिसको समझ में ना आए और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा सबसे पहली बात इस टॉपिक में आपको दो ही चीजें दी होती है आपको अपना ब्रेन यूज नहीं करना है यू हैव टू यूज अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन है ना इसमें आपको एक तो पॉइंट दिया होता है आपको स्टेटमेंट क्या दिया होता है एक दिया होता है आपको स्टेटमेंट ठीक है और एक आपका दिया होता है कॉन्क्लूजन ध्यान से समझ समझना कॉन्क्लूजन हिंदी में हम इसको कहते हैं कथन कंक्लूजन को हिंदी में क्या बोलते हैं निष्कर्ष कहते हैं ना एक बार मुझे सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताते चलना निष्कर्ष कहेंगे ठीक है ना हाँ यू आर हेल्पिंग अस फॉर अलॉट बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यार मैं, मैंने बोल दिया ना किसी को किसी भी कोचिंग सेंटर का कहीं भी कोई भी नोट्स वोट परचेज करने की जरूरत नहीं है अगर जिस दिन बच्चा सुनो मैंने आपको नंबर मैंने आपको एस सी एफ एल पढ़ाया था एस सी एफ और एलसीएम मैंने आपको पढ़ाया था ना इसमें एक लेक्चर मैं और लूंगा ठीक है ना इसमें एक लेक्चर आपका और रिमेनिंग होगा ये ध्यान रखिएगा ठीक है ना और इसकी प्रैक्टिस जो पीडीएफ है ना आप मुझे तुरंत अभी अन अकेडमी के आप पे क्लास है फ्री में क्लास होती है जो रेगुलर होती है इस क्लास के बाद मुझे याद लाना मैं इसकी पीडीएफ तुरंत मैं पोस्ट कर दूंगा वो कर लेना इसमें से डाउट जो रहेंगे और एक्स्ट्रा कुछ मैं इसकी एक और क्लास लूंगा ठीक है ये ध्यान रखिएगा 400 प्लस बच्चे अगर रेगुलर अगर आप लाइव देखोगे तो मैं आपको हमेशा मैं बताऊंगा ठीक है टेंशन मत लीजिए तो स्टेटमेंट हो चाहे कॉन्क्लूजन हो अब जो स्टेटमेंट में बातें दी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको सोचना है जैसे देखो मैं बताता हूं मैंने यहां पर लिखा मैंने यहां पर लिखा ऑल बॉयज आर मैट ऑल बॉयज आर मैट ध्यान समझिएगा सभी लकड़े क्या है पागल हैं सभी लड़के क्या है पागल है सभी लड़के पागल होते हैं क्लियर? ऑल आर मैड। 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 तो तो में अगर यहां पे दिया है कि सर इज़ ध्यान से क्या ये सही है या गलत है, wrong, right क्या ये सही है या गलत है ये बात मुझे बता सभी स्टूडेंट्स वेरी गुड फ्रेंड्स इज इट क्लियर सो माइ अगेन and the statement is here given to all boys are mad, mad. and conclusion is asking ssm sir is mad so is it right or not according to statement my dear friend is it right ye bilkul correct hai this is the right this is right the conclusion ye conclusion bilkul sahi hai ab ye mat sochna koi bhi are sir sabhi ladke pagal hote hain to aap thodi na pagal ho gaye आप तो नहीं पागल होंगे आप हमारे गुरु हो हम आपको कैसे बोल दें पागल ऐसा नहीं सोचना भाई अब सभी लड़के पागल तो मैं भी तो लड़के नाँस्त। मैं भी तो लड़का हूं तो मैं भी पागल हो गया इसमें ये मत सोचना सर ये नहीं, ये नहीं सोचना गलती होगी मेरे सर ये आपको सोचना क्योंकि आपको ये मैं भी पागल हो गया क्यों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये मत कोई मत कोई इसमें हुआ करना कि यार, यार सर आप पागल नहीं है सर आप पागल नहीं है भाई मैं भी पागल हो गया स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसका मतलब जो जैसा स्टेटमेंट में कहा जाएगा वैसे ही आपको सोचना है इज इट क्लियर वैसे ही आपको सोचना है ठीक है तो चलो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को रेडी करता हूं

ये मैड है ये क्या है आपका प्रेडिकेट है ये इतना कोई इसका यूज नहीं है बस आप ध्यान रखो ये वाला मैड क्या है ये आपका प्रेडिकेट है ध्यान रखिएगा जैसे मान के चलो मैंने कोई एक सेंटेंस लिखा मैंने यहाँ पे लिखा सम गर्ल्स आर सम गर्ल्स आर क्या लड़कियां कैसी होती है लड़कियां मोटी होती है नहीं हाँ सम गर्ल्स आर फैट इसमें बताओ सब, सब्जेक्ट कौन सा होगा प्रेडिकेट कौन सा होगा तो जो सम के साथ जो स्टार्टिंग में ही लिखा होगा यही आपका सब्जेक्ट होता है

समय अधिक नहीं चाहिए हमें उसी समय में अधिक चाहिए चाहे कोई भी फ्यूचर आई एस कोई भी हो अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो अगर आपको लगता है कि अगर आपकी एज 28 प्लस हो चुका है 29 प्लस हो चुका है 30 प्लस हो चुका है इफ यू आर वेरी सीरियस देन यू कैन कनेक्ट विथ मी आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो डेफिनेटली आई विल टेल यू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर दिस यूपीएससी एग्जामिनेशन नाउ फिर से देखो ध्यान से इतनी बात क्लियर आ गई अब मैं आपको बताता हूं देखिए कुछ ऐसे टाइप्स के सेंटेंस होते हैं जिसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए ठीक है ना कुछ ऐसे टाइप्स के सेंटेंस होते हैं जैसे हर एक जितना भी अब तक यूपीएससी में जो क्वेश्चन आया मोस्टली जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आए हैं जो लेटेस्ट जो अभी जो क्वेश्चन आए हैं उसके अंदर जितने भी टाइप्स के सेंटेंस आए हैं मैं सभी टाइप्स के सेंटेंस को यूज करता हूं कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे कुछ ऐसे आपका स्टेटमेंट में होगा स्टेटमेंट होगा कॉन्क्लूजन होगा कॉन्क्लूजन होगा इसमें है ना कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड लिखे होते हैं जैसे आपको ऑल लिखा हुआ दिखेगा क्या लिखा होगा ऑल लिखा हुआ दिखेगा ऑल ऑल लिखा हुआ तो ऑल का मतलब क्या होता है ध्यान से सुनना ऑल का मतलब होता है ए टाइप है ना ऑल का मतलब होगा ए टाइप बस ये टाइप वाइप पे मत जाओ सिंपल समझो ऑल ऑल का मतलब हिंदी में क्या होता है सभी ऑल का मतलब हिंदी में क्या होता है सभी ठीक है ना तो ये जो ऑल है इस ऑल की जो वैल्यू होगी आपको हमेशा याद रखना वैल्यू

हंड्रेड होगा वैल्यू वैल्यू सब्जेक्ट का प्रेडिकेट की 50। अभी जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा तो ये सेंटेंस जो है लिखा हुआ है ये जो सेंटेंस है चाहे वो स्टेटमेंट में लिखा हो चाहे कंक्लूजन में लिखा हो आप मुझे बताओ ये पॉजिटिव लिखा है कि नेगेटिव बिल्कुल सर कहोगे तो सर ये पॉजिटिव लिखा है इसका मतलब ऑल से जितने भी सेंटेंस होते हैं ये सभी के सब क्या होंगे पॉजिटिव होंगे अच्छा ये जो बॉयज है ना इसकी वैल्यू होगी हंड्रेड और हीरो है ना इसकी वैल्यू होगी फिफ्टी क्योंकि सब्जेक्ट की वैल्यू हंड्रेड प्रेडिकेट की वैल्यू फिफ्टी इज इट क्लियर माइ डिश्शन दैट्स वाई सो हीरो की वैल्यू क्या होगी फिफ्टी होगी बिल्कुल आराम से बिल्कुल ध्यान से पढ़ते चलो फिर देखो फिर मैंने यहाँ पे चलो मैंने लिखा मैंने लिखा ऑल डॉग्स आर लॉइस फिफ्टी तो है? है. होगी हो 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 बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल से क्लास में पढ़ने के बाद ऐसा न हो कि आपको दोबारा पढ़ना पड़े आप किसी और को पढ़ा दिए ज्यादा बेहतर है ठीक है ना आप किसी और को पढ़ा दिए ज्यादा बेहतर है जैसे मैंने लिखा ऑल मैन आर

ऑल की बात होगी क्लियर है ना ऑल की बात होती है ऑल का मतलब बाद आता फिर आता है आपका सम ऑल को हिंदी में हम सभी बोलते हैं हिंदी माध्यम के बच्चे लिख लो है ना ऑल को हम लोग हिंदी में सभी बोलते हैं ठीक है ना बट इस टॉपिक को है ना आप इंग्लिश में सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेहतर है ना इंग्लिश में ही पढ़ना बट वट इज द वैल्यू ऑफ सम जैसे सम लिखा हो तो सम का मतलब होता है फिफ्टी कौमा फिफ्टी सम का वैल्यू क्या होगा फिफ्टी कौमा फिफ्टी 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 यानी कि ये जो फिफ्टी है सब्जेक्ट की वैल्यू होगी ये जो हंड्रेड है प्रेडिकेट की वैल्यू होगी जैसे मैंने यहां पे लिखा मैंने यहां पे लिखा सम सम आर आर ब्यूटीफुल है ना सम समझ आर ब्यूटीफुल सम कॉज आर ब्यूटीफुल सम कॉज आर ब्यूटीफुल है ना इसमें आपको पता है कि कॉज की वैल्यू जो है ना ये कितनी होगी आपकी फिफ्टी होगी यहाँ ब्यूटीफुल की वैल्यू कितनी होगी फिफ्टी होगी अच्छा ये जो सेंटेंस जो लिखे हुए हैं सम कॉज आर ब्यूटिफुल क्या ये पॉजिटिव लिखा है या नेगेटिव लिखा है तो नहीं पढ़ा रहा हूँ कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको फास्ट लग रहा है कोई ऐसा तो नहीं है जिसको फास्ट लगार कोई ऐसा तो नहीं है जिसको फास्ट लग रहा है फास्ट तो नहीं बता रहा हूँ ना अगर आपको फास्ट लगे तो मुझे बता देना है ना अगर फास्ट लगे तो मुझे बता देना अगर फास्ट लगे तो मुझे बता देना ठीक है ना मुझे फास्ट बता देना ठीक है ना इजिट क्लियर आराम से पढ़िए सभी लोग आराम से पढ़िए यस 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 कोई किसी को फास्ट तो नहीं लग रहा है कोई किसी बच्चे को कोई किसी को कुछ फास्ट तो नहीं लग रहा है चलिए ठीक है चलिए ठीक है किसी को चलिए फास्ट तो नहीं लग रहा है चलो ठीक है ओके 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 नो फर प्रा ठीक है ना तो अगर आपको इसी में मैं बताऊं इसी में बताऊं जैसे कि मान लो सम मार्कर सम पेन सब मार्कर इस पेन इसमें बताओ किसकी वैल्यू फिफ्टी होगा आपको अच्छे तरीके से पता है लेकिन मेरे प्यारे बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ए तो चालू किया ही नहीं है ना मैंने ए तो चालू किया ही नहीं एक सेकेंड रिमोट कहाँ एक मैं तो पढ़ाने में व्यस्त हो गया वन सेकेंड वन सेकेंड ठीक है एक सेकेंड यार इतनी सारी दिक्कतें होती है ठीक है ना समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरी बात आपको सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही तो सम को याद रखने का तरीका होता है को सम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसे कुछ बोलते हैं क्या बोलते हैं कुछ हिंदी में आपने गाने सुना होगा कुछ कुछ होता है क्या कर वायद सॉन्ग सुना है कुछ कुछ होता है कुछ कुछ यानी कुछ मुझे हो रहा है कुछ तुम्हें हो रहा है कुछ मुझे कुछ तुम्हें यानी फिफ्टी परसेंट मुझे हो रहा है फिफ्टी परसेंट तुम्हें हो रहा है अगर हम दोनों मिलेंगे तो हंड्रेड परसेंट क्या होगा कुछ और ही होगा कुछ और का मतलब रिजल्ट होगा ठीक है तो कुछ कुछ होता है ऐसे सम का मतलब ये या याद रखना है कुछ कुछ यानि फिफ्टी परसेंट मुझे कुछ हो रहा है फिफ्टी परसेंट तुम्हें कुछ हो रहा है कुछ मुझे खुजली कुछ तुम्हें खुजली दोनों खुजली को मिला दो या तो आग मेरे दिल में लगनी चाहिए तो आग तुम्हारे दिल में लगना चाहिए रिजल्ट आपको होना चाहिए क्लियर बस इसको याद करते चलो ध्यान से ठीक है ना सम हो गया फिर होता है आपका सम नॉट फिर होता है सम नॉट सम नॉट का हिंदी में हम लोग बोलते हैं कुछ नहीं इसकी जो वैल्यू होती है ना वो होता है आपका फिफ्टी हंड्रेड ये सब्जेक्ट ये होता है आपका प्रेडिकेट जैसे कि मैं बोलूं सम आ, जैसे मैं आपको बोलूं कि सम बसेस आर नॉट ट्रक्स सम बसेस आर नॉट ट्रक्स तो देखो ये नॉट आ गया नॉट का मतलब कैसा सेंस दे रहा है ये आपका नेगेटिव का सेंस दे रहा है ये कैसा सेंस दे रहा है ये आपको नेगेटिव का सेंस दे रहा है कामॉन मेरे प्यारे फ्यूचर है मैं अपने सारे के सारे कंटेंट फ्री में पढ़ा दूंगा ऑनेस्टली स्पीकिंग विद यू और आज तो मैं आपको आज तो सच बता दूं मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा अपने टेलीग्राम पे ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है कल जो पढ़ाया था ना उसकी पीडीएफ आज हर हाल में दूंगा कुछ भी हो जाए आप मुझे याद जरूर दिला देना ना दू तो मेरे को दस बार कॉल करना ठीक है ना जब तक मैं दू ना तब तक मुझे सोने मत देना ठीक है ना सम बसेस आर नॉट ट्रक्स नॉट ट्रक्स तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी फिफ्टी होगी इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी हंड्रेड होगी तो सम नॉट मतलब कुछ नहीं यानी अरे तुम्हें ना कुछ हो रहा है बट मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है ना तो यानी एक को हो रहा है एक को नहीं हो रहा है यानी एक के पास आधा हो रहा है एक के पास कुछ नहीं हो रहा है एक के पास हंड्रेड का मतलब कुछ नहीं इज इट क्लियर हंड्रेड का मतलब कुछ नहीं हाँ

या नन की वैल्यू क्या होगी नो no या नन की वैल्यू क्या होगी हंड्रेड कौमा हंड्रेड होगी ठीक है ना उसके बाद क्या है आपका सम है सम की वैल्यू क्या होगी आपका होगी ओके नेक्स्ट है आपका सम नॉट है. क्या है नेक्स्ट है आपका सम नॉट है सम नॉट की वैल्यू फिफ्टी कॉमा हंड्रेड होगी ठीक है ना ऑल ये पॉजिटिव होगा नॉट ये नेगेटिव सेंटेंस होगा सम ये पॉजिटिव सेंटेंस होगा सम नॉट ये नेगेटिव होगा मेरे प्यारे बच्चे बस जिसने ये चार चीजें याद कर ली वो यूपीएससी की एस की तैसी कर देगा ऑनेस्टली स्पीकिंग यू यूपीएससी ने स्टेट पीसीएस बाकी छोटे मोटे एग्जाम में तो आप उड़ा के रख दोगे छोटे मोटे एग्जाम को तो आप ऐसे ही सॉल्व करके रख लोगे छोटे मोटे 500 पार है सर यस 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 मेरे प्यारे फ्यूचरा सभी इतना ज्यादा प्यार आपको देने के लिए लव यू सो मच आप सभी लोग चिपक के बैठ जाओ एकदम ऑनेस्टली स्पीकिंग विथ यू एकदम चिपक के बैठ जाओ ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन ना बने बिल्कुल डिटेल में अब तो क्वेश्चन भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए और उसका होमवर्क भी लिया करूंगा जैसे होमवर्क भी लिया करूंगा ठीक है ना जैसे आपको आज पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पे ठीक है ना उसको सॉल्व करना जिसको भी जो जो डाउट होगा ना ठीक है ना कमेंट सेक्शन में कल कमेंट करना मैं पूछूंगा उसका पीडीएफ भी निकाल लेना ठीक है ना अगर इतने फाइव प्लस बच्चे रेगुलर लाइव रहोगे ना ठीक है ना आज मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा जो मैंने एस सी कराया था ना सुनो यहाँ पे जैसे ऑफलाइन क्लासरूम में नहीं पढ़ाते हैं ऑनलाइन क्लासरूम में एसियम एलसीय की मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा मेरे टेलीग्राम पे ठीक है ना उसको निकाल लेना सब लोग पैसे तो खर्च कर सकते हो ना नहीं हो तो मेरे से ले लेना ठीक है <laughs> इतना तो आप लोगों को होता ही होगा ठीक है ना प्रिंट आउट निकलवा लेना या तो लिख लेना जिसको भी जो जो क्वेश्चंस नहीं होगा जैसे मैं पूछूंगा कल कि एक से दस में बताओ किसको क्या प्रॉब्लम है कहोगे सर ये प्रॉब्लम है ठीक है ना कल से मैं क्लास का टाइम थोड़ा बढ़ा दूंगा ठीक है ना टेन थर्टी तो टेन थर्टी आ जाऊंगा ठीक है ना ऑन टाइम आधे घंटे पहले डाउट्स ले लेंगे फिर मैं आपके नहीं नहीं लास्ट में डाउट्स करेंगे ठीक है ना आपके सारे क्वेश्चन की प्रॉब्लम दूर ये ज्यादा अच्छा है कि नहीं है क्या इ, 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 ये ये अच्छा रहेगा इनिशिएटिव सही रहेगा ये इनिशिएटिव सही रहेगा क्वेश्चन हिंदी हाँ ठीक है ना हिंदी ऑप्शन भी ठीक है ठीक है ठीक है आप टेंसर मतलब मतलब ठीक है ना अब देखो अब सुनना ध्यान से ध्यान सुना जो अब आपके एग्जाम में जो कॉन्क्लूजन आते हैं जो आपके एग्जाम में जो कॉन्क्लूजन आएंगे ये दो टाइप्स के कॉन्क्लूजन होते हैं एक तो होता है आपका डायरेक्ट कॉन्क्लूजन एक तो होता है आपका डायरेक्ट कॉन्क्लूजन ठीक है ना और एक होता है आपका इनडायरेक्ट कॉन्क्लूजन इनडायरेक्ट मेरे प्यारे बच्चे आपको इसी तरीके से करना जो मैं तरीका अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है ना कोई ये मत कर लेना इस तरीके से मत कर लेना ऐसे 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 ऐसे, ऐसे पूरी जवानी यही करते रह जाओगे इसमें सेवेंटी परसेंट चांसेज होते हैं सही होने के थर्टी परसेंट चांसेज होते हैं गलत होने के तो ये जो डायरेक्ट कंक्लूजन जो है आप इसमें समझो डायरेक्ट कंक्लूजन में क्या होता है सिंगल स्टेटमेंट से कई सारे मेनी कॉन्क्लूजन इससे मेनी कॉन्क्लूजन दिया होता है यानी कि मेनी कॉन्क्लूजन सी ओ एन सी एल उसके ऊपर मैं एन लिख देता हूं इसका मतलब हो गया कॉन्क्लूजन यानी एक ही स्टेटमेंट से उस स्टेटमेंट से तुम जितना मर्जी खींच सकते हो जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं एग्जाम्पल नोट डाउन हो गया सभी लोग नोट डाउन करते चलो ऑफलाइन की तरह पढ़ाई करो एकदम ऑफलाइन की तरह बिल्कुल ऑफलाइन की तरह अगर नोट डाउन हो गया तो मैं मैं आगे मूव करता हूं ठीक है ना देखो आराम से पढ़ो सभी लोग ठीक है ना देखो जैसे कि मैंने आपको दिया यहां पे डायरेक्ट कॉन्क्लूजन डायरेक्ट कॉन्क्लूजन ध्यान से समझना जैसे कि मैंने यहां पर लिखा सुनो ध्यान से सभी लोग ध्यान से सुनो सभी लोग ध्यान से सुनो जैसे कि देखिए मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिखा मैंने आपको यहां पर स्टेटमेंट लिखा स्टेटमेंट लिखा मैंने यहां कि ऑल एन आई एस ऑफिसर ऑल बॉयज आर एन आई एस ऑफिसर बहुत लंबा चौरा लिख दिया ठीक है ना अब देखो मैं इसका कॉन्क्लूजन लिखता हूं मैं अब आपको इसका कॉन्क्लूजन लिख रहा हूं कॉन्क्लूजन जैसे लिख रहा हूं मैं आपके सामने यहां पे ध्यान से देखिएगा लिखो देखो सम आई ए एस एज बॉय है ना फर्स्ट सेकंड सम समय आर आई ए एस भाई ग्रामर पर मत जाना ग्रामर वगैरह पर मत जाना कि सर आपने ए और एन नहीं लगाया अभी मैं वो नहीं आपको पढ़ा रहा हूं ठीक है ना ग्रामर की ओर मत जाना यू डोंट हैव टू गो विद द ग्रामर ठीक है ना ग्रामर पर मत जाना सभी लोग है ना एक बार जैसे ही स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा है ना हमेशा आपको ऐसे ही लाइव देखना है ठीक है ना जैसे ही हाँ हमेशा आपको इसी प्रकार आपको लाइव देखना है मेरे प्यारे फ्यूचर आई एस ऑफिसर है ना यू हैव टू ऑलवेज द लाइव सेशन ओके अटेंड ठीक है ना तो सम समय फिर मैंने थर्ड लिखा नो बुआइ आर एन आई ए एस ऑफिसर अब सुनो ध्यान से ध्यान से सुनना यहाँ पे ध्यान से सुनना देखो स्टेटमेंट एक ही है लेकिन इसी स्टेटमेंट इस में ध्यान से सुनना अब मैं क्या बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसी स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दिया हुआ है जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट प्रेडिकेट दिया हुआ है, उसी सब्जेक्ट और को यहां भी सम के साथ लिखा गया है यहां भी नो के साथ लिखा गया है इसका मतलब ये आपका डायरेक्ट कंक्लूजन का पार्ट होता है डायरेक्ट कंक्लूजन का मतलब है एक ही स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो और और उसी सब्जेक्ट प्रेडिकेट को घुमा घुमा के कितने भी सेंटेंस लिख दे वही आपका डायरेक्ट कंक्लूजन क्या लाएगा इन डायरेक्ट कंक्लूजन मैं कल पढ़ाऊंगा जिससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है बट ये बेसिक्स है जो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता रहा हूं वेरी गुड वेरी गुड सभी लोग एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए प्लीज यू हैव टू टेक स्क्रीन शॉट माइ डियर फ्रेंड्स ओके यू हैव टू टेक वेरी गुड कमान 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 अरे अरे क्या गर्ल्स इंटरेस्टिंग गर्ल्सा लाल कर दूंगा तुम्हारा भाग जाए यहां से चुपचाप मेरे क्लास से ये ढोको लो तुमको क्या याद आ रही है तुमको रात को लड़की तुमको याद आ रही है इसलिए तुमको माँ बाप ने तुमको पढ़ाया है पता ये लड़का क्या कमेंट कर रहा है कहा भाग गया ये रुको, रुको 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 ये मैं पढ़ा रहा हूँ ये ये तुम कुछ भी करने आ रहे हो यहां पे बताओ बताओ इसको कुछ भी याद आ रहा है इसको रात को कुछ भी याद आ रहा है तो मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ इसको याद कुछ और भी आ रहा है पढ़ ले भाई पढ़ ले नौकरी लग जाएगी तेरी ये देखो फिर से अभी कमेंट 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 कर कर रहा है यार ब्लॉक करूंगा मैं इतने सारे बच्चे करो तुम लोग वेरी गुड कमॉन 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 माइ डियर फ्रेंड देखो स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा सभी लोग है ना स्क्रीन लेते चलिएगा जैसे कल क्या है ना ध्यान सुनो तो ये सारी पॉइंट है यानी एक ही डायरेक्ट कंक्लूजन डायरेक्ट में जो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट है उसी से घुमा घुमा के कितने भी सेंटेंसेस लिखते हैं कंक्लूजन में वो सभी आपका डायरेक्ट कंक्लूजन है अब देखो कैसे सॉल्व करना है अब आपको सॉल्व करने का मैं आपको अप्रोच बताता हूं ये सभी स्टूडेंट समझिएगा हाउ टू सॉल्व हाउ टू सॉल्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ टू सॉल्व सॉल्व करने का मेथड समझिएगा फर्स्ट पॉइंट इधर आप लिखिए स्टेटमेंट और इधर आप लिखिए कॉन्क्लूजन मेरे पास स्पेस कम है मैं इसलिए अरे ये क्या हो गया इसलिए मैं आपको थोड़ा सा लिखता हूँ स्पेस है ना यहां लिखेगा स्टेटमेंट इधर लिखे कॉन्क्लूजन अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन विल आल्सो बी पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव है इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कॉन्क्लूजन विल ऑल्सो बी नेगेटिव इज इट क्लियर अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव 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 होगा पॉजिटिव 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 कमेंट कमेंट सेक्शन में करो बार बोलो जहां बैठे हो एकदम पूरी एनर्जेटिक के साथ मैं बार बार बोलता हूं जिसमें मेहनत करने का हुनर वही बन सकता है आई ऑफिसर जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद भी खूब बढ़ता है खूब ज्यादा एकदम जोर जोर से बोलिए जहां भी बैठे हो या जो पॉजिटिव होगा स्टेटमेंट पॉजिटिव

आपका हमेशा आपका पॉजिटिव होना चाहिए एग्जाम्पल दे रहा देखो मान लो कि स्टेटमेंट आपकी इनकम है मैं अगले पेज पे बताता हूं अगले पेज पे बताता हूं ध्यान समझो देखो ये जो सुनो ध्यान से पर अच्छे तरीके से आराम से समझो बस ये पहले ही दिन जो है आपका बेसिक्स उसके बाद तो क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व करोगे आप खुद ब खुद विश्वास करोगे ये लिखिए आप कंक्लूजन जो आपका स्टेटमेंट है होगा इसको आप मान लीजिए इसको आप अपनी इनकम मानिए ठीक है ना ये जो कंक्लूजन है इसको आप एक्सपेंडिचर मानिए मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूं मान के चलो सुनो अभी तक हमने जितना भी चीजें मैंने आपको बताया अच्छा देखो ध्यान से ऑल की वैल्यू क्या होती है ऑल की वैल्यू सर 150 होती है सम की वैल्यू क्या होती है सर सम की वैल्यू 50 50 होती है सम को याद रखने का तरीका कुछ 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 होता है कुछ तुम्हें कुछ मुझे 50 50 सम नॉट का मतलब क्या होगा सम सम आ गया पहले तो ये फिफ्टी आ जाएगा नॉट का मतलब होता है हंड्रेड ठीक है ना हंड्रेड देखो नो no या नॉन आ गया नो no या ना हंड्रेड हंड्रेड याद करने का बता ध्यान समझना है अब एक बात बताओ अगर आपकी इनकम हंड्रेड रुपीज है सुनो ध्यान से अगर आपकी इनकम हंड्रेड रुपीस है अगर आपकी इनकम हंड्रेड है तो क्या आपकी एक्सपेंडिचर आपकी अगर इनकम अगर आपकी इनकम हंड्रेड रुपीस है तो क्या आपके एक्सपेंडिचर हंड्रेड रुपीस हो सकता है ये मुझे बताओ क्या आपकी इनकम अगर हंड्रेड रुपीस है तो क्या आपकी एक्सपेंडिचर हंड्रेड क्या आपके एक्सपेंडिचर हंड्रेड रुपीज हो सकता है यस या नो हंड्रेड रुपीज हो सकता है बिल्कुल हो सकता है कोई बफरिंग नो अभी अकेडमिक मेरा प्रोफाइल दिया होगा वहां से आप मुझे फॉलो कर लेंगे गोल में यूपीएससी सी एस सी चेंज कर लेंगे अब मेरा कोड रेफरल कोड एस के एस वन जीरो कोड को अप्लाई कर लेंगे बिल्कुल हो सकता है भाई मेरी मर्जी मैं हंड्रेड रुपीज कमाऊं कमा रहा हूं मैं जो मर्जी वो करूं मैं पूरे के पूरे खर्च कर दूं पूरे के पूरे उड़ा दूं मैं बाबला हो गया क्या दिक्कत है कर दो भाई तो ये हो सकता है दिस इज द पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकता है लेकिन क्या अगर मेरी इनकम पचास रुपये है फिफ्टी रुपीज है क्या मैं एक्सपेंडिचर खर्चे में हंड्रेड रुपीज कर सकता हूं क्या किसी पर्सन की इनकम फिफ्टी थाउजेंड है क्या वो अपने एक्सपेंडिचर कर कर सकता है, 1, 000, 000 कर सकता है है लाख कभी नहीं कर सकता है जितनी चादर उतनी ही पैर पसारो ये नहीं कर सकता है कभी नहीं ये नॉट पॉसिबल ऐसा थोड़ी ना कि कुछ पैसे तुम और किसी से ले लोगे ऐसा पॉसिबल नहीं है जितना पैसे उतना ही आपकी इनकम फिफ्टी रुपीज है आप फिफ्टी रुपीज खर्च कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो कोई दोहराई नहीं है मेरी बात सबको समझ में आ रही है मेरी बात समझ देखो इसका मतलब ये होगा कि 100 में से 100 गया तो पॉसिबिलिटी है 50 में से 100 जाएगा कोई मतलब नहीं नेगेटिव 50 में से 50 जाएगा तो बिल्कुल हो सकता है इज इट क्लियर क्या आपको ये बात समझ में आई तो अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माई डियर फ्रेंड्स अगर आप सभी को यह पॉइंट क्लियर है तो एक बार राइट इन द कमेंट सेक्शन बता दे यस सर दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू यस सर दिस इज क्लियर इतनी वर्ड चले Only I can do ओनली very, very good. Come on come on, my dear friends and future IAS officer. Very good, very good, very good. मैं बार बार कहता हूँ एकदम आज आप सभी का वन स्टॉप solution होगा और मैं बात बता दू आप सभी को ये जो syllogism के क्लास है ना कम से कम मैं इसके चार क्लासेस लूंगा लंबी लंबी फोर क्लासेस होंगी इसकी इसकी चार क्लासेस होंगी सभी को क्लियर है क्यों पढ़े हो चक्कर में चल क्लियर है हाँ क्या समझ में आ रहा है चलो ठीक है सबको अब देखो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ ये पॉइंट को ध्यान रखना इसको ध्यान रखना अब देखो मैं आपको क्वेश्चन करा एक्ट एग्जाम्पल के तौर पर देखो ध्यान से यहाँ पे सभी लोग देखना सभी लोग यहाँ पे देखना सबसे फर्स्ट स्टेप आपको चेक सबसे फर्स्ट स्टेप आपको चेक क्या करना है आपको चेक करना है ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट ये डायरेक्ट कंक्लूजन है ये सभी डायरेक्ट कंक्लूजन है अच्छा सबसे पहली बात आपको चेक करना है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ये कैसा स्टेटमेंट है ये कैसा स्टेटमेंट है सर ये कैसा स्टेटमेंट है सर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है ध्यान से सुनते रहिए अच्छा सर ये कैसा कॉन्क्लूजन वाला ये किस टाइप का सेंटेंस है पहला कंक्लूजन सर ये भी पॉजिटिव है सर ये कैसा है ये भी पॉजिटिव है सर ये वाला कैसा है ये नेगेटिव है क्यों क्योंकि यहां पे नो बॉयज आर आई एस आराम से सुनो आराम से सुनो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता माई डियर फ्रेंड्स मुझे अपने आप पर विश्वास है कि मैं आपको सिखा कर रहूंगा आराम से समझू मैंने आपको क्या बताया था इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव इट मीनू स्टेटमेंट इज नेटिव कॉन्क्लूजनिव अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है अगर स्टेटमेंट सॉरी माफ कीजिएगा अगर स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो ये भी आपका पॉजिटिव है बिल्कुल ये सही ठीक है अगर ये स्टेटमेंट ये पॉजिटिव है तो यह भी पॉजिटिव है, तो है बिल्कुल ठीक है लेकिन अगर ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हाउ दिस विल बी नेगेटिव नहीं गलत हो गया बाबा तो थर्ड तो आपका ऐसे ही गलत हो गया थर्ड तो आपको चेक करना ही नहीं है ऑप्शन दिया होगा जहां भी थर्ड होगा उसको रिमूव करो आ, हटा दो आप आराम से चेक करो क्लियर और फिर से समझो नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स अब देखो इतनी पॉइंट क्लियर हो गया अब आप क्या करो वैल्यू पुट करो ऑल की वैल्यू क्या होती है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑल ऑल की वैल्यू होती है हंड्रेड फिफ्टी तो आप बॉयज के जगह हंड्रेड रखिए आईएस ऑफिसर्स के जगह फिफ्टी रखिए यस नो सम की वैल्यू क्या होती है वट इज द वैल्यू ऑफ सम सम की वैल्यू होती है फिफ्टी फिफ्टी पेशेंस रखो सबको आएगा समझ में एक बार भी नहीं आएगा समझ में आएगा लेकिन जरूर समझ में एक बार आप समझ गए

आप सभी को मैं बताना चाहता हूं जितने बच्चे इस टाइम आप लाइव देख रहे हैं आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ठीक है ना मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ है, है अगर यहाँ आई एस पे फिफ्टी है तो यहाँ पे फिफ्टी है फिफ्टी देखो आई एस वाले को देखना है ध्यान से समझो अगर यहाँ आई एस पे फिफ्टी है और यहाँ भी आई एस पे फिफ्टी है तो स्टेटमेंट में से कंक्लूजन को करना है क्या फिफ्टी में से फिफ्टी जाएगा यस सर फिफ्टी में से फिफ्टी जाएगा भाई आपकी मर्जी है आप फिफ्टी थाउजेंड रुपीज कमाओ फिफ्टी था खर्च कर दो क्या फर्क पड़ता है क्या आपकी इनकम हंड्रेड यानी बॉयज पे हंड्रेड है आपकी इनकम हंड्रेड रुपीज है क्या आपके एक्सपेंडिचर फिफ्टी रुपीज हो सकती है बिल्कुल हो सकती है फर्स्ट आपका करेक्ट है किसी को कोई फर्क फरफराट नहीं यू डोंट हैव टू बी काइंड काइंड एनी ऑफ फर्क मेरे प्यारे फ्यूचर ऑफिसर सभी लोग एक बार लाइक एंड शेयर करते चले सभी लोग लाइक एंड शेयर करते चले ध्यान से समझो फिर देखो सम की वैल्यू सम पे बॉयज पे समय तो पे पे तो खर्च करो बहुत खुशी की बात है अपने बीवी बच्चों को पालो फिफ्टी रुपीज में बिल्कुल हो सकता है आप फिफ्टी रुपीज अर्न करो फिफ्टी रुपीज उड़ाओ कोई दिक्कत नहीं है तब भी पॉसिबिलिटी है इसका मतलब फर्स्ट और सेकेंड से अभी मैं आपको फर्स्ट और सेकंड सही है। अगर आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है तो राइट इन अभी मैं और एग्जाम्पल दूंगा, दूंगा जितने स्टूडेंट्स आप फॉलो कर रहे हो सभी को आएगा समझ में यस ऑन कम ऑन मेरे प्यारे फ्यूचर आई एस ऑफिसर अब हम लोग रगर के रख देंगे एकदम रगर के रख देंगे ऐसे आप सभी लोग आओ आने वाले टाइम में मैं बहुत ही जल्दी आपको साइंस टेक भी पढ़ाऊंगा बिल्कुल अपने अंदाज में और प्रॉमिस करता हूं जितने क्वेश्चन आएंगे में चाहे पंद्रह हैं सोलह है आप दो या तीन क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चन सही करके आओगे और बहुत ही जल्दी आने वाले टाइम में जिस टाइम मेरे टाइम में मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था ठीक है तो मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा अगर आप ऐसा प्रॉमिस करते हो मेरे साथ कि हाँ सर मैं मेरे को चाहिए तो तीन चीजें या तो मॉडर्न हिस्ट्री साइंस टेक मेरे बैकग्राउंड के रिलेटेड है और ये ठीक है अगर आप तो समझ में आ रही एक बार जितने स्टूडेंट्स आप लाइव देख रहे हो मैं चाहता हूं कि एक बार आप सभी को एक सेकंड बस मैं आपको अभी तब तक देखो जरा कहां पे समझ में नहीं आ रहा है आप जितने भी स्टूडेंट्स हो मेरे पास आप सभी लोग इसका स्क्रीन ले लो आपको अगर टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करनी है तो दिस इज द बेस्ट दिस इज द बेस्ट वे माई डियर फ्रेंड्स टीग्राम का लिंक है ये अन अकेडमी अंडर स्कोर संजय कुमार शाह आई आई टी दिल्ली कुमार शाह और आप सभी को यूट्यूब पे मेरी दो वीडियो देखनी है यू हैव टू ऑल वॉच प्लीज टेक स्क्रीन शॉट आप सभी को हाउ टू स्कोर वन थर्टी फाइव प्लस इन प्रिलिमिन्री एग्जाम बाई संजय कुमार शाहेडमी यस यू कैन क्रैक एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट बाय एग्जाम इन फर्स्ट अनअकैडमी प्लीज यू अ स्क्रीनशॉट माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर यू ऑल अ स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू ऑल गाइज ओके क्लियर चलिए मैं अब आगे मूव करता हूं फिर से देखो मैं आपको और क्वेश्चन देता हूं टेंशन मतलब मतलब मेरे रहते हुए किसी को किसी प्रकार की फल फर नहीं होनी चाहिए इज इट क्लियर फ्रॉड फिर से देखो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई साहब फिर से देखो फिर से लिखो आप सभी लोग स्टेटमेंट लिखिए यू कैन राइट हेयर द स्टेटमेंट यू कैन राइट हेयर द स्टेटमेंट यू कैन राइट हेयर द स्टेटमेंट माई डियर फ्रेंड फर्स्ट स्टेटमेंट लिखिए आप सभी लोग देखिए स्टेटमेंट मैं आप सभी स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ ताकि आप स्टेटमेंट लिखे और कंक्लूजन लिखे इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सोल्व करें है ना फर्स्ट स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ माई डियर फ्रेंड्स स्टेटमेंट uh, दे रहा हूं मैं आपको जैसे कि मैंने आपको दे दिया uh, चलो ऑल डॉग्स आर कैट्स ऑल डॉग्स आर कैट्स कंक्लूजन मैंने आपको दिया कॉन्क्लूजन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ठीक है कंक्लूजन मैंने आपको दिया फर्स्ट कंक्लूजन मैंने आपको दिया सम डॉग्स आर कैट्स सेकेंड नो डॉग्स आर कैश थर्ड ऑल कैट्स आर डॉग फोर्थ मैंने दिया सम कैट्स आर नॉट डॉग आप आराम से समझो आराम से प्लीज यू टेक अ टाइम सबसे पहले आप पॉजिटिव नेगेटिव फाइन करो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है एक दो बार आप बार बार आप देखिएगा एक दो बार आप इसको बार बार देखिएगा ठीक है ना जब आप देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कमान 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 माइ डियर आराम से सोचो प्लीज यू टेक अ टाइम प्लीज यू हैव टू टेक अ टाइम डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर ऑफिसर वेरी हैुड कमान 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 माइ डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर आई एस ऑफिसर पपाई राकेश प्राची संजना शर्मा वेरी गुड आकांक्षा मिश्रा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड माइ डियर फ्रेंड्स कमान 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 समृद्धि लक्की बनवाल रिया राज फैजान राजा राकेश कुमार जिगर चावदा वेरी गुड कमान 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 त्रिशांत लाइव वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड विमलियात चक्रवर्ती आसाम से है कोई साजल शर्मा सही होगा वन क्लूजन अम्बोज वेरी गुड मनी खान थानिया एक बच्चा मैसेज कर रहा है अनिल पर वर्मा क्यों पढ़े हो चक्कर में पूरे भारत में नहीं है कोई ऐसा के टक्कर <laughs> ऐसा कुछ भी नहीं है यार ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने जहाँ से पढ़ाई किया है वो मेरे गुरु तो रहे होंगे है ना हालांकि मेरे गुरु इंडिया के नहीं हैं ठीक है ना है ना वो इंडिया में नहीं है है ना एज फ्रॉम फॉरन ओके चलिए

फर्स्ट स्टेप तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना ही पड़ेगा फर्स्ट स्टेप देखिए स्टेप वन में स्टेप वन में आप पहले तो ये चेक करो कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है अभी मैं आपको इनडायरेक्ट नहीं स्टेप सेकंड में स्टेप सेकंड में आप जो ये चेक करो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है फिर आप स्टेप स्टेप uh, थर्ड में जो है ना आप ये चेक करो कि स्टेटमेंट माइनस कॉन्क्लूजन पॉजिटिव आ रहेगा ये पॉजिटिव नेगेटिव ये 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 आपका फोर्थ आपका रॉन्ग हो जाएगा बात समझ में आ रही है क्यों सेकंड और फोर्थ आपका रॉन्ग हो रहा है इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड यस इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर आईएएस ऑफिसर नाउ यू कैन सी हियर नाउ यू कैन सी हियर अगेन अगेन आप फिर से देखे फिर से देखो अब आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है अब आपको क्या करना है

आप 100 रुपीस कमाओ, 50 उड़ाओ, तो भी बट yes, यहाँ पे कैट पे क्या फिफ्टी है क्या फिफ्टी रुपीज में से हंड्रेड रुपीज माइनस हो सकता है नहीं हो सकता है 50 में से अगर आप 100 को माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा इसका मतलब ये गलत हो गया ओनली वन कंक्लूजन

ठीक है ये ध्यान रखिएगा ठीक है ना नो नेक्स्ट लिखिए नेक्स्ट लिखिए नन नन स्टेट आर टॉन ये है आपका स्टेटमेंट ओके okay? ये है आपका स्टेटमेंट ओके okay? फिर मैं आपको कंक्लूजन दे रहा हूं फिर मैं आपको कंक्लूजन दे रहा हूं कंक्लूजन नंबर फर्स्ट दे रहा हूँ सुनिएगा कंक्लूजन नंबर फर्स्ट दे रहा हूँ नेक्स्ट दे रहा हूं सम टॉन्स आर नॉट स्टेट नॉट स्टेट सेकेंड सेकेंड ऑल स्टेट आर टॉन ऑल स्टेट आर टॉन थर्ड में आप सभी को दे रहा हूं सम स्टेट्स आर नॉट टॉन सम स्टेट्स आर नॉट टॉन फोर्थ दे रहा हूँ फोर्थ में आप सभी को दे रहा हूं ध्यान सुनते रहिएगा ध्यान दीजिएगा नन नन आर स्टेट्स स्टेट्स फिफ्थ आप सभी को दे फिफ्थ में आप सभी को दे रहा हूं फिफ्थ में आप सभी स्टूडेंट्स को दे रहा हूं वन सेकेंड वन सेकेंड ऑल टॉन्स आर स्टेट्स ऑल हाउ मच मनी अन गिव्स यू आई विल प्रोवाइड यू डबल अरे भैया मैं पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ ठीक है ना मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे प्यारे फ्यूचर आई एस ऑफिसर ओके okay? ओके इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माई डियर फ्रेंड्स देयर इज एक सेकेंड यार ये ऐसा जल क्यों रहा है क्या हो गया ये ऐसा जल क्यों रहा है ये कभी ऐसे रेड तो ऐसे हो नहीं रहा था ये ऐसे कभी रेड तो ऐसे ऐसे हो नहीं रहा था एक सेकेंड ज़रा रुकना ज़रा मैं इसकी जो है ना मैं छा सा इसकी छोटा सा मैं वीडियो बना लूँ मैं कैमरे का वन सेकेंड चलिए वेरी टेलीग्राम लिंक को सब लोग ज्वाइन कर लेना ओके यू ऑल हैव टू बी ज्वाइन दिस टेलीग्राम लिंक इज इट क्लियर आई विल क्योर यू बाय माय बेटा तुम क्या यार छोटी छोटी बातें करते हो तुम पढ़ने आए हो कि मुझे खरीदने आए हो है पढ़ने आए हो कि खरीदने आए हो है पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, करो है ना सुनो सबसे पहली बात ये देखिए ये आपका नेगेटिव है इज इट क्लियर जितने भी अगर आप ध्यान से कर लोगे तो मैं ऑनेस्टली बता दूं मेरे क्लास नोट से 80 क्वेश्चन में से कंपनी को छोड़ दीजिए तो बन जाएंगे में दर्द आपका है। तो ये, ये वाला हूँ फिर आपका इनडायरेक्ट कराऊंगा फिर आपको फिर आपको इधर नीदर वाला कराऊंगा नहीं फिर, फिर, फिर आपका चैन रूड कराऊंगा फिर इधर नीदर कराऊंगा फिर आपका पॉसिबल वाला कराऊंगा बहुत डिटेल में कराऊंगा टेंशन लो अब तो सब कुछ कराऊंगा सम टॉर्न आर नॉट ये आपका नेगेटिव आपका पॉजिटिव है सम स्टेट्स आर नॉट ये आपका नेगेटिव है नगेटिव है None are states, ये आपका पॉजिटिव अब सुनो अगर ये नेगेटिव हो गया स्टेटमेंट तो पॉजिटिव कॉन्क्लूजनोटिव इफ दिन इज इट क्लियर सो माइडियर दिस इजेटिव ये पॉजिटिव सेकेंड इज रॉन्ग

कॉमा हंड्रेड इज इट क्लियर फिर आपका सम की जो वैल्यू होती है वो आपका होता है फिफ्टी कॉमा फिफ्टी देखो नन की वैल्यू हंड्रेड हंड्रेड तो दिस इज योर हंड्रेड एंड टॉन इज हंड्रेड सम की वैल्यू होगी आपका फिफ्टी नहीं सम नॉट है ध्यान रखिएगा सम नॉट समू क्या होती है फिफ्टी कॉमा हंड्रेड तो सम नॉट फिफ्टी एंड दिस विल बी योर नेगेटिव इज इट क्लियर सम नॉट क्या ये क्लास यूट्यूब पे हो रही है प्रभात रंजन बिल्कुल ये क्लास यूट्यूब पे हो रही है आपको इतना भी नहीं पता कहाँ क्लास ले रो डेली क्लास यूट्यूब पे हो रही है टेन फोर्टी फाइव में तो सभी स्टूडेंट आ जाओ एकदम चिपक जाओ सेशन के साथ ओके okay? नाउ फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया था फिर से अब आपको चेक करना है ओके? Okay? और यहाँ टॉन की वैल्यू 100 है तो 100 में से फिफ्टी जाएगा होगा yes. हंड्रेड yes, yes. yes. में से फिफ्टी 50 जाएगा 50 हंड्रेड में से फिफ्टी जाएगा बिल्कुल फिर देखो ये हंड्रेड स्टेट पे 100 हंड्रेड में से हंड्रेड जाएगा यस फर्स्ट इस कंक्लूजन इज करेक्ट थर्ड में देखिए

इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो राइट इन द कमेंट सेक्शन एस के एस टैन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है पूरे अन अकेडमी पे आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इज इट क्लियर चाहे यूपीएससी स्टेट पीसीएस किसी भी को, स्टेट का एस एस सी बैंक रेलवे एनडीए पी डी एस सी डी एस एन लॉ आई आई टी नीट मेडिकल आप किसी भी एग्जाम में ले सकते हो सब्सक्रिप्शन पर भी ऑफर चल रहा है बाई यूजिंग माई रेफरल कोड एस के एस वन जीरो when you will apply this referral code definitely i will guide you personally is it clear and you have to watch my all those video hai na aap you on google pe search kar diye seedha likh dijiye wahan pe ssm sir iit delhi aap wahan se mere bare mein aur bhi detail jaan lenge is it clear YouTube पे मेरा दो video आपको देखना मैंने आपको already बताया था चलिए मैं और तो फिर से question दूं क्या आप सभी लोग ready हो फिर से question दूं You all are ready to all of you my dear friends? फिर से दूं आगे move करूं जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक बात मैं फिर से बता दूं अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे आप सभी स्टूडेंट से मैं आप सभी स्टूडेंट से एक ही बात बताना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को दोबारा देखिए भाई एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार चार बार देखो क्योंकि ये बेसिक्स है अगर आपने ठानी लिया कि मुझे हर हाल में मुझे ऑफिसर्स बनना है मुझे हर हाल में यूपीएससी एग्जाम को क्लियर इतना आसान नहीं है आइए तो आई पी एस बनना ये ध्यान रखना इतना आसान है इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मेहनत भी नहीं दिन के रोज छह से आठ घंटे रेगुलर पढ़ो रेगुलर पढ़ो और मेरे क्लास में लाइव क्लास अटेंड करने आ जाओ रात के सोते टाइम आपका ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा अब तो मैं क्या रहा हूं अगर आप इतने सारे बच्चों रेगुलर लाइव में रहोगे तो मैं आपको वीक में सुना बता रहा मैं आपको वीक में फोर डेज जो है ना सी पढ़ा दूंगा टू डेज आपको मैं साइंस डे क्लास ले लूंगा और टू डेज जो है ना हालांकि uh, कितने डोज हो गए फाइव टू सिक्स एट डेज होगा एक दिन में दो बार आ जाऊंगा ठीक है ना दो डे आपको मैं मॉडर्न हिस्ट्री करा दूंगा ठीक है ना वहीं से सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे ठीक है चलिए मैं आपको फिर से दे रहा हूँ क्वेश्चन ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है ये क्यों हो रहा है इतना जल्दी इतना जल्दी पेज क्यों खत्म हो रहा है? है इतना जल्दी तो खत्म क्या तुम तो फर फरा रहे हो भाई तुम जल्दी से आ जाओ रहे यहाँ पे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा ठीक है ना यू हैव टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम लिखिए क्वेश्चन लिखिए सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन लिखिए देखिए सम ए आर बी ये आपका स्टेटमेंट है ये आपका स्टेटमेंट है कंक्लूजन दे रहा हूं कंक्लूजन फर्स्ट दे रहा हूं लिखिए ऑल ए आर बी ऑल ए आर बी सेकेंड लिखिए ऑल बी आर एल ए आर बी ऑल बी आर एल ए आर है ना थर्ड दे रहा हूं सम बी आर ए है ना फोर्थ दे रहा हूं नन बी आर ए फिफ्थ दे रहा हूं सम एच नॉट बी अब मुझे बताइए किस में कौन सा सही है अब क्या आप सभी को कॉन्फिडेंट आ रहा है

है कि सही तरीके से लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है ना ना कोई बात नहीं अभी कौन सा, कौन सा, तो चलिए कोई बात नहीं वेरी गुड कमान 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 आपको देखिए एक बार कमेंट से, फिर से कमेंट मेरे प्यारे, मैं अपने कल के रिकॉर्ड को आज तोड़ दूंगा कल वाली जो क्लास होगी वो बहुत ही जबरदस्त क्लास होगी कल वाली क्लास सभी लोग टेन फोर्टी फाइव के आ जाना अभी के आप पे क्लास है। आपको क्या करना है अन अकेडमी के ऐप को आपको, आपको डाउनलोड करना है आपको क्या करना है ऐप को डाउनलोड करना है ठीक है ना और वहां पे आपको मुझे फॉलो करना है डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा मेरा संजय कुमार साहब प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ अरे ये भी स्विच ऑफ हो गया लैपटॉप को चार्जिंग लगा इस लैपटॉप पर है ना है ना आप सभी को क्या करना है मेरे टेलीग्राम के संजय कुमार शाह का प्रोफाइल लिंक दिया होगा वहाँ से आप मुझे फॉलो करेंगे ठीक है ना फिर आप वहाँ पे मेरा कोड अप्लाई करेंगे मेरे फ्री सेशंस को देखने के लिए है ना मुझे लग रहा है क्या शायद मुझे लग रहा है कि अब आप लोग कॉन्फिडेंट तो हो चुके हो आप लोग डायरेक्ट में कॉन्फिडेंट तो हो गए ना डायरेक्ट वाले में है आई विल गिव यू नॉलेज बाय माई पावर स्टोन जस्ट बाई ये क्या तुम बोल रहे हो यार है ना आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे है ना सुनो यहाँ पे देखो इधर देखो ध्यान से सभी लोग देखिए यहाँ पे है ना समझदार कोई कैसा है ऑल बी आर ए ये भी पॉजिटिव है सम बी आर ए ये भी पॉजिटिव है नन बी आर ए नेगेटिव है सम ए इज नॉट बी ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन विल ऑल्सो बी

हंड्रेड फिफ्टी जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं ना की के, टाइप की क्या हो जाएगी? की आपका फिफ्टी फिफ्टी हो, हो जाएगा बाकी तो आपको चेक करना ही नहीं है देखो ए पे हंड्रेड है या ए पे फिफ्टी है क्या आप फिफ्टी रुपीज कमाते हो फिफ्टी थाउजेंड क्या आप वन हंड्रेड थाउजेंड खर्च कर दोगे कुछ नहीं कर पाओगे कोरोना के टाइम में चिपक के रह जाओगे ये गलत हो जाएगा रॉन्ग कभी नहीं नॉट पॉसिबल फिफ्टी में से हंड्रेड जाएगा नेगेटिव आ जाएगा जैसे नेगेटिव जाएगा। नेगेटिव आया नेगेटिव आया गलत बिल्कुल आपका रॉन्ग हो जाएगा इज इट क्लियर फिर देखिए बी पे हंड्रेड है बी पे में से 100 जाएगा अगेन नेगेटिव सेकंड भी ललसो भी रॉन्ग थर्ड का चेक करो भाई क्या हो गया है? तो सब गलत हो रहा है कैसे तुम सही कह रहे हो ठीक है ना हाँ सम पे बी पे फिफ्टी है ए पे फिफ्टी है भाई ये फिफ्टी फिफ्टी जाएगा बिल्कुल ओनली थर्ड फॉलो Only third conclusion, only third conclusion follow. Is it clear? Only third conclusion follow. क्या आप सभी को समझ में आ रहा है राइट इन द कमेंट सेक्शन एस पी एस टैंड माई डियर फ्रेंड ध्यान रखिएगा अगर आपको किस्मत मौका देती है तो मेहनत चौंका देती है आप लोग बहुत लकी हो क्या कि आपको किस्मत ने इतना अच्छा मौका दिया है यू ऑल आर वेरी वेरी लक्की टू ऑल ऑफ यू माई डियर फ्रेंड जो आपको किस्मत ने इतना अच्छा मौका दिया है ठीक है ना अब मैं सुनो इसके रिलेटेड है ना आपको मैं होमवर्क के लिए अभी दे नहीं पाऊंगा क्वेश्चन क्योंकि ओनली मेरे पास चार मिनट बच्चे हैं है ना ओनली मेरे पास चार मिनट बच्चे जो बच्चा मुझे फर्स्ट टाइम देख रहा है टेलीग्राम फिर 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 टे टेली का लिंक अभी ज्वाइन कर लीजिए या नहीं ये दोनों एक ही ये, ये दो वीडियो आप यूट्यूब पर देखिए तुरंत देखिए यूट्यूब पे क्लास के बाद भाई संजय कुमार शाह अनअकेडमी जरूर लिखना और तुरंत आप मेरे साथ अच्छे से कमेक्टिविटी बना सकते हो बाकी किसी भी स्टूडेंट्स को पूरे अनअकैडमी पे किसी भी एडमिशन किसी भी कोर्सेज में इफ यू वांट टू टेक द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन यूज माय रेफरल कोड एसकेएस10 आजकल आप गलत कर रहे हो बीच में से कोई लेटर मिस कर दे रहे हो एस को पता नहीं कहां क्या कर दे रहे हो तो कोई भी लेटर मिस नहीं होना चाहिए ध्यान से एक-एक लेटर एसकेएस10 एस

सेवन सात तारीख को एंड हो जाएगा ऑफर ठीक है ना सेवन को एंड हो जाएगा दो साल का सब्सक्रिप्शन लेते वन ईयर तो आपको एक्स्ट्रा मिलता है यूजिंग माई रेफरल कोड एस के है ना ये टेस्ट फ्री मिलेंगे दिस इज दी वेरी इंपॉर्टें थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू अभी मैं लिंक देता हूं अभी जस्ट क्लास पे फाइव मिनट्स के अंदर क्लास स्टार्ट अकेडमी के आप फटाफट आ जाइए ठीक है डिस्क्रिप्शन में दिया होगा संजय कुमार साहब प्रोफाइल लिंक या जो भी टेलीग्राम का लिंक दिया उस टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर लो वहां पे अन अकेडमी अंडर स्कोर संजय कुमार साहब एक लिंक आएगा थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू लव यू सो मच मेरे प्यारे फ्यूचर आई एस ऑफिसर थैंक यू सो मच